मैंने अलग जगह पर अलग तीनों बाउल में मैंने ये मिल्क पाउडर ले लिया है। ये लगभग एक एक कप है तीनों जगह। ये तीनों जगह ये मैंने बराबर का आधा आधा कप ये पिसी हुई शक्कर ले ली है। ये मैंने देखिए पिसी हुई इलायची पाउडर ले लिया है, चार पांच इलायची है पिसी हुई। ये मैंने दो चम्मच घी ले लिया है और ये मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ले लिया है। ये मैंने दूध ले लिया है एक ग्लास के लगभग, क्योंकि इसमें मिलाने के लिए हमें चाहिए। और ये मैंने रोज बनाने के लिए जो हमें इनका कलर बनाना है, डो तैयार करना है, तो ये मैंने ये पाउडर ले लिया है। ये रेड पाउडर है और ये ग्रीन है। इनकी हम पत्तियां बनाएंगे और इससे हम रोज बनाएंगे। चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं। एक कंटेनर ले लिया है मैंने। अब इसमें हम सबसे पहले ये मिल्क पाउडर डालेंगे। सबसे पहले हम वाइट वाला तैयार करेंगे। इसमें जरा सा हम घी ऐड करेंगे, जरा सा। इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी डाल लेंगे, देखिए इस तरह से। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। अब हम इसे पहले इसका डो बना लेंगे, देखिए इस तरह से। मैं इसका अच्छा कड़क डो बनाना है, इस तरह से मिला लेंगे और हम इसका डो तैयार करेंगे। जरा सा दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, देखिए इस तरह से। अब इसका डो तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये मैंने डो तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये रोज फ्लावर का इसके वाइट रोज बनाएंगे, ये उसका डो तैयार हो गया है। इसमें जरा सा दूध, जितना इसमें लगे, जितना मतलब डो बन के तैयार हो जाए उतना इसमें मैं हमें दूध डालना है। इतना नहीं कि पूरा दूध डाल दें। ये देखिए ये डो तैयार हो गया है। इसमें जरा सा घी लगा देंगे और इसे हम अब साइड में रख देंगे। देखिए मैंने प्लेट में इसका डो बना के रख दिया है। अब इसी तरह हम दूसरा लेंगे। ये देखिए ये दूसरा मिल्क पाउडर ले लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे आधा कप, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और अब हम इसमें भी इसमें हम रोज एसेंस डालेंगे जिससे ये कलर दे। देखिए ये मैंने थोड़ा सा चुटकी भर रोज फ्लेवर डाल दिया। देखिए अब इसे भी हम मिला लेंगे इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, और इसमें भी बिल्कुल जरा सा दूध डालेंगे। देखिए इस तरह जरा सा दूध डाल के हम इसको मार लेंगे। इसका डो तैयार, मैंने ये डो तैयार करके रख लिए हैं। देखिए ये मैंने रेड वाला, ये मैंने ग्रीन, और ये वाइट वाला। चलिए अब हम इनके फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमने ये कलियां बनाने के लिए हमें एक उड़सा और बेलन की जरूरत पड़ेगी बेलने के लिए, तो मैंने वो ले लिया है। अब हम थोड़ा सा घी लगाएंगे हाथ में और सबसे पहले इसकी इससे बौनी बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमने बौनी तैयार कर ली है। देखिए इस तरह से हम इसकी सारी बौनियां, ये मैंने इस तरह से देखिए फ्लावर की ये मैंने बौनी बना के रख ली है, ये वाइट की। कलियां बनानी है हमें। कलियां बनाने के लिए हम इसको पहले बेल लेंगे। आप कोई भी रैपर ले लीजिए और फिर उसे अच्छे से बेलिए। आप देखिए इस तरह से। अब हम इस
की छोटी छोटी गोल गोल टिक्की काट लेंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें ग्रीन वाले की काटना है और रेड वाले। इसमें चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इन्हें चिपका देंगे। ये देखिए देख सकते हैं आप। देखिए ये रोज फ्लावर होनी है। इस तरह से हम इन्हें चिपकाएंगे। इसी तरह से हम ग्रीन वाला बनाएंगे और ग्रीन की टिक्की काट कर इस तरह से ग्रीन की हम पत्तियां बनाएंगे। देखिए ये देखिए आप देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है। देखिए देख सकते हैं आप। देखिए इन्हें हमें इस तरह से कर देना है जरा सा ऐसे। ये देखिए हमारा रोज तैयार हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। देखिए नीचे से ये देखिए नीचे से भी देखिए आप। देखिए इस तरह से ये हमारा रोज तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे फ्लावर बना लेंगे। इस तरह से मैंने ये गोल गोल टिक्की जैसी इसकी काटी थी ना मैंने एक ढक्कन से ऐसे ही गोल पार्ट काट कर मैंने ये देखिए इस तरह से चिपका दिए हैं। ये देखिए ये फ्लावर तैयार हो गए हैं अपने। देखिए कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं। देखिए रोज फ्लावर लग रहे हैं ना बिल्कुल असली। ये बहुत ही अच्छी डिश है। आप लोग घर पे जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है ये स्वीट्स। आप कभी भी अपने घर पर बिना गैस जलाएं सिर्फ मिल्क पाउडर से ये रेसिपी बना सकते हैं। इससे आप कोई भी किसी भी आकार की डिशेज और भी बना सकते हैं। मैं और भी बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप ये देखिएगा। देखिए ये मैंने ये किए बच गया था तो मैंने ये भी बना दिया है। फ्लावर भी देखिए इस तरह से। ये देखिए ये भी आधा है अभी खिला नहीं है। अब हम इस पर ये कोकोनट जो मैंने ये क्रश किया था इसको हम डाल देंगे। देखिए इस तरह से ये अपनी स्वीट्स रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से हम ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो तो प्लीज मेरी बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बनाइएगा जरूर बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ओके बाय बाय फिर मिलते हैं।